नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर अतरौलिया व्यापारियों द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, नगर पंचायत अतरौलिया के व्यापारियों द्वारा रविवार को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र भारत माता तथा सरदार भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी रही। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर जुबां पर भारत माता के जयकारा लगाते हुए लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शंकर त्रिमोनी सदर बाजार से प्रारंभ होकर बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, रामवरण चौक, गोविंदपुरा, गोला क्षेत्र से होते हुए शांति चौराहा, बाबा बालक दास की कुटी होते हुए आकर सदर बाजार में समाप्त हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व लड़कियां भी तिरंगे के परिधान में वस्त्र पहनकर सम्मिलित हुई तथा तिरंगा झंडा से डंडियां खेलते हुए भारत माता की जय से पूरा बाजार गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में छात्रों से लोग सेल्फी लेते रहे, वहीं लड़कियों ने डीजे की धुन पर राष्ट्रगीत की तान पर जमकर डांस किया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के प्रति लड़कियों में दुगना उत्साह रहा। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से नवनीत जायसवाल, रवि कुमार अग्रहरी, मोनू कुमार, सगीर अहमद, प्रवेश कुमार, कसौदन, नितेश कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। ये 15 अगस्त को देखते हुए 15 अगस्त का कार्यक्रम ना हो, उसके लिए एक दिन पहले का ये कार्यक्रम 10 बजे निर्धारित किया गया, जो पूरे मार्केट में भ्रमण होते हुए केसरी तेराहा से लेकर शांति चौक, दुर्गा चौक, बब्बर चौक, बच्चन बाबा चौक, सभी मोहल्ले से होते हुए आकर सदर बाजार में समाप्त हुआ। जी, आज हम लोग सब व्यापारी लोग की तरफ से भारत के 75वें वर्षगांठ के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में एक तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें हम लोग का सबसे पहले संदेश ये था कि सब लोग भाईचारा और एकता बनाए रखें और सब व्यापारी एकजुट होकर एक बार व्यापार संगठन गठित हो जाए। यहाँ मेन ये रीजन था और भारत के इस अमृत महोत्सव को सफल बना के हमने सबको देशभक्ति के रंग में रंगने का प्रयास किया। हम लोग ये कि तिरंगा यात्रा में झांकी निकला अपने यहाँ मेन मार्केट सदर बाजार से लेके पूरे मार्केट और हाईवे पे होते हुए अपने यहाँ पे तक झांकी निकला। व्यापारीगण सिर्फ एक ये चीज चाहते हैं कि वो लोग को कोई एक लोग पिंच करे कि ये कार्यक्रम करना हर कोई चाहता है, लेकिन बस एक हाथ आगे आता है तो सारे लोग जुट जाते हैं। एक दिन कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम हुआ है और इतना सफल अगर प्रोग्राम हुआ तो एक हफ्ते पहले अगर होगा तो और सफल होगा। लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा की, झांकियां निकलें, व्यापारियों के जुबान पर वंदे मातरम के गीत थे, इसमें कैसे कैसे प्रेरणा हुई, कहाँ से? हर व्यक्ति के दिल में भारत माता के लिए जो प्रेम है वो तो आगे कदम बढ़ते ही भारत माता के लिए हर एक गीत, कोई पैर ना रुका ना कोई मुंह रुका होगा, गीत गाते ही हर शख्स आगे बढ़ा है।